हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में करवा चौथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे कोई भी फेस्टिवल्स में ट्राई कर सकते हैं इस मेकअप लुक को। तो गाइस, अगर आपके पास में कोई भी महंगे फाउंडेशन नहीं है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आपको मेकअप करना है बट कोई भी ब्रांड के फाउंडेशन नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो मेकअप लुक है ये मैंने लैक्मे सीसी क्रीम से क्रिएट किया है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप भी देख लीजिए किस तरीके से मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और उसके बाद आप कोई भी अपना मन पसंदीदा ब्रांड का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे और नेक पे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। मॉइस्चराइजर के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925 सीसी क्रीम, जिसमें मेरा शेड है बेज, और मैं फिंगर टिप्स के हेल्प से अपने फेस पे और नेक पे डॉटेड फॉर्म में ये सीसी क्रीम को अप्लाई कर लूँगी। और मैं यहाँ पे कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश का यूज़ नहीं करने वाली हूँ सीसी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए। मैं अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से ही इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर जब भी हम सीसी क्रीम लगाते हैं तो चेहरा थोड़ा स्टार्टिंग में वाइट वाइट सा लगने लगता है, तो डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे ये सीसी क्रीम हमारे फेस पे सेट होने लगता है तो हमारे ही स्किन टोन में आ जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सेट होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है और अच्छा खासा कवरेज देता है। तो आप देख सकते हैं, मैं अच्छे तरीके से अपने फिंगर्स के हेल्प से ही अपने फेस पे सीसी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं, जैसे फाउंडेशन यूज़ करते हैं या फिर लैक्मे सीसी क्रीम यूज़ करते हैं या बीबी क्रीम यूज़ करते हैं, तो आपको अपने नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि फेस का कलर अलग दिखता है और नेक का कलर अलग दिखता है, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है वो। और यहाँ पर हम सीसी क्रीम का ही सिर्फ यूज़ करने वाले, कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करने वाले। तो मुझे जहाँ पर कवरेज की ज़रूरत लग रही है तो मैं यहाँ पर डबल लेयर अप्लाई कर लूँगी सीसी क्रीम की। तो आपको अगर कहीं डार्क स्पॉट्स है या फिर डार्क सर्कल्स है तो आप उसे हाइड करने के लिए सीसी क्रीम की डबल लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो अभी मैं दूसरे भी आईज़ में के डार्क सर्कल्स को हाइड कर लूँगी डबल लेयर करके सीसी क्रीम का। तो गाइस, सीसी क्रीम को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन ड्रीम सेटिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा बहुत ही फेवरेट है। सो आपने देखा होगा अक्सर मैं मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स के वीडियो में यही कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन अप्लाई करते हो या फिर सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, उसके बाद ये सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपको ये परचेस करना हो तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है आज, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप उस लिंक में जाके भी ले सकते हैं। और हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मैंने यहाँ पर लगाया है वैसलीन, और आईब्रोज़ को मैं फिल कर रही हूँ मेबलिन न्यूड पैलेट से ब्राउन शेड लेके, और उसी पैलेट में एक ब्रश आपको मिलता है तो मैं उसी ब्रश से ही हमेशा अप्लाई करती हूँ, वो बहुत ही इजी लगता है। तो आईब्रोज़ फिल करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मेकअप तब तक के बिल्कुल नहीं उठेगा जब तक के आप ओठों पे लिपस्टिक नहीं लगाओगे और आईब्रोज़ को फिल नहीं करोगे। तो अच्छी तरीके से आपको आईब्रोज़ को एकदम नेचुरली फिल करना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं फिल करना है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो मेरा होता है हमेशा आई शेडो लगाने का, क्योंकि मेरी आईलिड जो है ये बहुत ज़्यादा लूज़ होने की वजह से आई शेडो लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन का एंजल पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, और पूना स्टोर के ब्रश के हेल्प से मैं
इसे अपने आईलेट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे पिंक शेड ले रही हूँ और मैंने एक ब्यूटी स्टोर से हुडा ब्यूटी का 24 अल्ट्रा शेड का ग्लिटर आई शेडो पैलेट खरीदा था। सो उन्होंने मुझसे ओरिजिनल प्राइस वाला जो पैसा है वो ले लिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे ड्यूप दे दिया हुडा ब्यूटी का। सो ये बहुत ही गंदा पैलेट है। तो ये ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जो मैंने अप्लाई किया था सबसे पहले आई शेडो वो भी बहुत मेसी सा हो गया था, बट मैंने जैसे तैसे इसे अप्लाई कर लिया इस ग्लिटर को और फिर मैंने अपने फिंगर टिप्स की हेल्प ली। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इससे। अब मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ स्टेकोर है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका एप्लीकेटर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बिगनर है और आप आईलाइनर लगाना सीख रहे हैं तो ये वाला ही आप पक्का खरीद लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको इसे ड्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, अप्लाई करते से ही ये ड्राई हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। आईलाइनर अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक का काजल यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये भी सुपर्ब काजल है, बहुत ही पिगमेंटेड काजल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन इसका है। सो अब मैं यूज़ करूँगी मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, ये भी बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा शेप देता है हमारे आईलैशेस को। आप चाहे तो फेक आईलैशेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आज के वीडियो में फेक आईलैशेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम दिया है इसने मेरे आईलैशेस को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ नेल्फ यूएसए का ब्लश, और ये भी बहुत ही सुपर पिगमेंटेड ब्लश है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है, तो इसे भी मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लश है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं बट ये बहुत लंबे समय तक के चलने वाली चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाइलाइटर, तो ये तो सभी का बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है मेकअप करने के बाद हाइलाइटिंग करना, तो मैं अपने फेस के जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट है उसको हाइलाइट कर लूँगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटिंग करने की ज़रूरत है तो आप भी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना हाइलाइटिंग आप करोगे ना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने सिवाना कलर्स का हाइलाइटर यूज़ किया है, ये भी मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करती हूँ और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये भी काफ़ी किफ़ायती है, तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत नेचुरल लुक देता है, बहुत ज़्यादा ऐसे चमक धमक नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। अब मैं यहाँ पे आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी लगा लूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। और सब चीज़ हम अच्छा देखने के लिए ही तो करते हैं, अच्छा दिखने के लिए और दूसरों ने हमारी तारीफ़ करना चाहिए इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, और ख़ुद को ही बहुत अच्छा फील होता है अच्छे से तैयार होने के बाद में। सो अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करने वाली जो हमारे पूरे मेकअप को चार चांद लगाती है, तो यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक की मैं लिप क्रियॉन यूज़ कर रही हूँ रेड कलर के शेड में। बहुत ही पिगमेंटेड और पैसा वसूल वाली शुगर की ये लिप क्रियॉन है और आप देख सकते हो एकदम से लुक चेंज हो जाता है। सो दैट्स इट। और अब मैं लगाऊंगी बिंदी क्योंकि फेस्टिवल्स में थोड़ा इस तरीके की बिंदी वगैरह लगा लो तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब मैं तैयार हो गई हूँ, और आपको मेरा मेकअप लुक कैसे लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस आई रियली होप कि आप सभी को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा और आप भी आने वाले फेस्टिवल्स में या करवा चौथ में इस तरीके का लैक्मे सीसी क्रीम यूज करके अपना मेकअप लुक क्रिएट करेंगे और फेस्टिवल्स को और भी इंजॉय करेंगे। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।